लेता है। अरे भाई मैं थारी गाय भैंस शराबड़ तो भगा तो ले जा रही हूँ उसे, यार पकड़ो। बोले चोर है इसका मतलब तो। तुम्हारे शरण राजा चंद को पकड़ते हैं भाई। चोर नहीं हूँ। बोले चोर नहीं है भाई, सारी गाय भैंसा ना आगे भगा तो ले जा रही हो, सर पीछे भाग रहा है। बोले मैं भाग रहा था इनको वापस लाने के लिए, ले जाने के लिए नहीं। तो एक बुजुर्ग आदमी को दया आ गई, सुनो सुनो यारो मारो मत, मारो मत बुजुर्ग, बूढ़ा आदमी मर जाएगा, गलती हो जाती इंसान से। तो ये गलती करी दिया, तो एक काम करो, सजा जुर्माना करने का काम होता है राजाओं का। तो अपने पास में चंपापुर नगरी है, और चंपापुर नगरी का राजा धर्मपाल नाम का बड़ा न्यायकारी राजा है, राजा के पास में ले जाओ, जो सजा जुर्माना करेगा वो राजा ही। अब सदनों चंपापुर नगरी का नाम लिया, राजा चंद मन में विचार किया कि भाई चंपापुर नगरी का राजा धर्मपाल मेरा साला है। मन में विचार किया, कहा किसी को भी नहीं कह तो मारने को नहीं। मन में विचार करता है भगवान, राजा धर्मपाल मेरा साला और मैं बैठी हूं, लेकिन इस हाल में शरीर से बिल्कुल थक गया, शरीर से बिल्कुल थक गया, सिर पर जटा बदरी, दाढ़ी बद रही, बुरी हालत हो रही। तो तू हजार बार भी यह कह भाई, तू हजार बार भी यह कह कि भाई मैं राजा चंद हूं, कोई नहीं मान सकता राजा चंद। और ये पांच आदमी तो ले जा रहे हैं चोर बना करके, और ये तो जा रिया कहेंगे महाराज ये चोर है, और तुमने जा रिया कह सके जगह सहम चोर को नहीं, तो राजा को जीजो राजा ने मारे तो मार गए, कहेंगे सकल को मारो बहनी बड़ा साहेब। तो राजा चंद मन में विचार करता, भाई तेरा समय खराब है, मौन धारण कर ले, इसी में फायदा है। पांच आदमी ले जाते हैं राजा चंद को चंपापुर नगरी में, राजा धर्मपाल के सामने पेश कर देते हैं, महाराज ये चोर है, पांच कैसो कर बंदे तेरी दो दिन की जिंदगानी, ढलत ढलत ढल जाए जवानी जैसे ढले होश का। तो पांच आदमी पानी का तो भाई पांच आदमी ले जा करके चोर बता देते हैं। अब सदनों राजा धर्मपाल कुछ नहीं पूछा, पांच आदमी ले जा चोर बता दिया तो क्या पूछना, चोर है। तो राजा चंद को चोर समझ करके राजा धर्मपाल कैद में, उसी दरबार में तो ऐस आराम से रानी और पुत्र रह रहे, उसी दरबार में राजा चंद कैद काट रहा, क्या परमात्मा की माया है सदन। एक दिन का जिक्र है, आज का सा समय थोड़ा थोड़ा सा सुबह का सा वक्त, तो राजा कैद में पड़ा पड़ा रोता है, रानी को अपनी रानी को अपने बच्चों को बीता हुआ समय को याद करता है,
समय निकल जाता है, बुरा समय सामने आ जाता है, तो अच्छा समय बहुत याद आता है कि एक दिन मेरी क्या तकदीर थी, क्या समय था। तो राजा चंदी कैद में पड़ा पड़ा रो रहा। सुबह का सा टाइम, रानी को बच्चों को याद कर रहा है, भगवान मेरी रानी मेरे पुत्र वो जिंदा भी हैं या नहीं, और है तो वो कहाँ होंगे। राजा को मालूम नहीं तो सभी आई हैं, राजा को पता नहीं था। तो राजा रोता रोता रानी को बच्चों को बीता हुआ समय को याद करता है। तो रागनी ये सुबह का वक्त की, दीनानाथ का नाम लेने से, जति सती की कहा यानी जति सती की गाथा गाने से जगह पवित्र हो जाती है। तो सदनों भाई, ये छठी की रात का प्रोग्राम रखा है आपने, धार्मिक प्रोग्राम रखा है, नहीं तो कई छठी की रात ने के करे नाचा कूदो करा में लुगाई ने बुला ली। फिर स्टेज देखो, स्टेज पर लुगाई यार नाच पर लग जाए ना, तो उसकी कोई कला नहीं मानी जाती। लुगाई तो लुगाई रही बात, जो भाई लड़का होकर के और लड़की बनकर के और फिर वो कला दिखाता है ना, तो उसको तो कला मानते हैं। तो कई आदमी क्या करते हैं, छठी की रात से कराओ धूमधड़ा को आपने, लेकिन आपने धार्मिक प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो सदनों, राजा चंद रोता हुआ रानी को बच्चों को याद करता है। Oh,
मेरे ख्यास में था। एक दिन रतन सिंहासन ऊपर
राजा रोता है, रानी को बच्चों को याद करता है। अब भगवान की माया क्या हुई मेरे सदरों, रानी मलयागरी महल की अटारी में दोनों नंद भौजाई एक ही पिलंग पर सो रही थी। रानी की आंखें खुल गई, रानी की आंखें खुली, कान में भनक पड़ी, हे भगवान मेरा राजा चंद की आवाज कहां से आ रही है? परमात्मा ये तो मेरा राजा की आवाज है। रानी मलयागरी फिर मन रानी मलयागरी मन में विचार करती है, क्या हो सकता है मुझे कोई सपना आ गया हो। लेकिन रानी उठ करके बैठ गई, रोने लग गई। एक बात राजा चंद और कहता है, रानी साफ साफ सुन लेती है। तमरे सदनों राजा चंद रोता रोता कहता है, तो बताते हैं सदनों बहन के तो भाई, बहन के तो भाई, बहन के ससुराल में भाई जाता है ना बहन को लेने के लिए, तो बहन की आत्मा बहुत राजी होती है, भाई की बहन खातरदारी करती है। तो बताया बहन के तो भाई और ससुराल में जमाई, सास हम जमाई चलो जाए तो मेरे सदनों खूब मान सम्मान होता है। लेकिन राजा चंद्र रोता रोता कहता है कि मेरे तो के मान सम्मान वेरी हो, क्या क्या खातरदारी वेरी है। राजा चंद को कितना दुख दे रहा था राजा धर्मपाल जानबूझ के नहीं अनजाने में, कितनी मेहनत करवावे दहन दड़वावे बनाई है तो परमात्मा की बनाई हुई है, इतिहास की बातें होती है। रागनी स्वर नाम है ईश्वर का, स्वर से गाना परमात्मा को रिझाना, तो स्वर नाम है ईश्वर का तो राग है कालंगड़ा। एक रोज या तो रहे
भेष गरीबी धरती ना कह रहा हूँ भाई, इनका एक एक दो वजन और सुनोगे क्या? नहीं कपड़ा खुलवा देंगे, पाँच बजे खुलवा दो, पाँच खुलवा दो मेरा ही। अब सदनों इतनी बात कही, रानी मलयागरी रो रही, हे परमात्मा मेरा राजा चंद तो यही है कैद में, मेरा राजा यही है कैद में पड़ा हुआ है, तुम तो मेरे सदनों अब सुबह का वक्त हो गया तो राजा धर्मपाल कहता है बहन क्या बात? बोले राजा चंद मिल गया। भाई साहब कहाँ मिल गया? सपने में मिल गया। बोला नहीं हकीकत में मिल गया। हकीकत में कहाँ? बोले तेरी कैद में है। क्या बात करती है बहन मलयागरी, मेरा बहनी वो राजा चंद को मैं कैद कर कैसे कैद कर सकता हूँ मैं? बोले जानबूझ के नहीं, अनजाने में कर लिया, मैं राजा की सारी आवाज सुन चुकी हूँ। बोले ये बात है तो मेरे सदनों राजा धर्मपाल, बहन मलयागरी, पुत्र शायर और नील, वो भी बड़े राजी हो जाते हैं भाई, आज पिता के दर्शन दीदार होंगे तो कैद के ताले खुलवाते हैं। राजा चंद आया कैद से बाहर, देखा रानी मलयागरी को, देखते राजा चंद रोया, हे भगवान मैं तो कैद काट रहा हूँ, मैं तो दुखी हूँ, लेकिन मेरी रानी तो सुख में है, तीर में सुख में है मेरी रानी तो, और शायद ये मेरे पुत्र हैं शायर और नीर। तो राजा चंद रानी मलयागिरी को देखते राजा रोया, रानी तुरंत चरणों में पड़ गई, रोती है पति देव मैं आपकी रानी मलयागिरी हूँ। राजा चंद कहता मैं जान गया